तो आज हम आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे जिसके लिए हमको चाहिए दो ट्रांसपेरेंट ग्लास, वाटर कलर और नमक। सबसे पहले हम वाटर को दोनों ग्लास में डाल लेंगे यानी H2O को, जिसका पीएच मान होता है 7। अब हम एक ग्लास में नमक डाल लेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि एक में नॉर्मल वाटर है और एक में नमक वाला पानी है। अब हम दोनों ग्लासों में कलर डाल देंगे। जल के अणुओं के बीच में जो अंतराल होता है, गैप होता है, उसमें हमने जैसी नमक डाला तो वो नमक उन गैप को भर देता है, जिससे नमकीन पानी का घनत्व सादे पानी की तुलना में ज़्यादा हो जाता है। और नमकीन पानी का घनत्व ज़्यादा हो गया तो उसमें रंग आसानी से नहीं घुलेगा, ऊपरी ऊपर तैरेगी, जबकि जो सादा पानी है उसका घनत्व कम है तो उसमें रंग आसानी से जो है नीचे तक जल्दी जल्दी घुल जाता है।